Hello dear students, today we will discuss the topic parts of plants and their functions under the lesson plants in this video. प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में parts of plant मतलब कि पौधों के अलग अलग हिस्सों या भागों एवं उनके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हें समझेंगे. तो चलिए हम शुरू करते हैं. प्लांट्स, प्लांट्स मतलब पौधे. पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस. प्लांट्स के, पौधे के अलग अलग हिस्से एवं उनके कार्य. प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे परिवार, एक ऐसी फैमिली के बारे में बात करेंगे जिसके कुछ लोग सब एक साथ मिलकर रहते हैं, और वो फैमिली है और वो परिवार है एक प्लांट का परिवार. सी, दिस इज़ द फैमिली ऑफ अ प्लांट. एंड उसमें अलग अलग लोग रहते हैं. कौन कौन लोग रहते हैं? रूट्स, स्टेम. रूट्स को हम जड़ बोलते हैं और स्टेम को क्या बोलते हैं? तना. देन लीफ, पत्ते. बड मतलब कली. फ्लावर मतलब फूल. एंड फ्रूट मतलब फल. ये जो है अलग अलग लोग इस प्लांट रूपी फैमिली में रहते हैं. ये इस प्लांट रूपी घर में अलग अलग हिस्से हैं घर के, और इसमें अलग अलग लोग रहते हैं. कौन कौन रहते हैं? रूट्स, स्टेम, लीफ, बड, फ्लावर एंड फ्रूट. जैसे कि हमारे घर में हम रहते हैं, मम्मी पापा और भाई बहन सब मिलके साथ में रहते हैं ना. इन द सेम वे द प्लांट इज़ ऑल्सो हैविंग इट्स डिफरेंट पार्ट्स, एंड दे आर रूट्स, स्टेम, लीफ, बड, फ्लावर, फ्रूट. अगेन ROTS, रूट्स, STEM, स्टेम, LEAF, लीफ, BUD, बट, FLOWER, फ्लावर, FRUIT, फ्रूट. दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. नाउ वी हैव सीन that there are many different parts of a plant. Each part has its own function to keep the plant healthy. जैसे हमारे फैमिली में कौन कौन रहता है? पापा, मम्मी, हम, हमारे भाई बहन, और सभी अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो हमारी फैमिली क्या रहती है? हैप्पी और हेल्दी रहती है ना. इन द सेम वे प्लांट्स के भी हर एक पार्ट जो हैं अलग अलग रोल प्ले करते हैं, और वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं ताकि वो जो प्लांट है वो हमेशा स्वस्थ रहे और अच्छे से ग्रो कर पाए, बढ़ सके. सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर रूट. रूट क्या काम करता है ये हम आगे देखेंगे. रूट जो है वो पापा का रोल प्ले करता है. स्टेम जो है वो घर का रोल प्ले करता है. घर बनता है, और वो घर कौन बनाता है? रूट बनाता है. और फिर स्टेम से आगे चल के लीव्स बनते हैं, और फिर लीव से बड बनता है, कली, और बड से फ्लावर्स, एंड फ्लावर से फ्रूट्स. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. और जैसे फैमिली में पापा का काम होता है, मम्मी का काम होता है, बड का काम होता है ना, द सेम वे जो बर्ड है, जो एक देखेंगे अभी किसकी तरह काम करता है, किसका रोल प्ले करता है, वो क्या काम करता है. ईच ऑफ देम हैज़ इट्स ओन वर्क. और सारे के सारे जो पार्ट्स हैं उनका अपना अपना काम होता है. नाउ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं प्लांट के, पौधे के, उनके कार्य क्या क्या हैं, चलिए देखते हैं. रूट्स जो कि प्लांट का पापा है,
पापा क्या काम करते हैं, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जैसे पापा हमारे लिए घर में पैसे कमा के लाते हैं, है ना, और जिससे हम अपना सारा खाने पीने की ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, इन द सेम वे जो रूट है वो भी ज़मीन के अंदर रहता है और ज़मीन से पानी और जो पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है और फिर उसको वो घर में, मतलब अपने घर में प्लांट में लेकर आता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट्स, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम क्या है? स्टेम जो है एक घर की तरह काम करता है। रूट्स जो है आगे चल के बढ़ के सबसे पहले स्टेम बनता है, जो पापा जो है घर बनाते हैं, और इन घर में अलग अलग गली रहती है, तो ये जो स्टेम है वो गली की तरह काम करते हैं, पाइप की तरह काम करते हैं। अब ये जो रूट्स जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए हैं उनको इसी गली के थ्रू, इसी पाइप के थ्रू किचन में मम्मी के पास भेजते हैं। तो स्टेम क्या करता है? इट कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो भी खाना बनता है वो किचन से बाकी सारे बच्चों के पास कौन पहुंचाएगा, कहां से पहुंचेगा, ये स्टेम के थ्रू, इस तने के थ्रू पहुंचता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम, इट कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो स्टेम के द्वारा ही जो पानी है और जो खाना है वो रूट से और किचन से अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है पौधों के। नेक्स्ट इज, अब हमने खाने की बात करी, किचन की बात करी, तो आता है लीव्स। लीव्स क्या है? किचन का काम करता है, मम्मी है, ये प्लांट की मम्मी है, मम्मी जो है किचन में खाना बनाती है। सो इट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीव्स, इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। प्लांट्स के लिए, ये प्लांट्स के सभी हिस्सों के लिए वो खाना बनाती है। फिर जो खाना बनने के बाद क्या होता है, फिर ये खाना अलग अलग हिस्सों तक कैसे पहुंचता है पौधा के, वही जो स्टेम है, जो घर में घर की जो गलियां हैं उस पाइप की तरह काम करती हैं, वो पहुंचाता है। नेक्स्ट बड, कली। तो कली क्या है? कली द पार्ट ऑफ प्लांट दैट बिकम्स फ्लावर। कली पौधे का वो हिस्सा है जो आगे चल के फूल बनता है। सबसे पहले जो है कली उगती है प्लांट में, उसके बाद भी आगे चल के ये एक सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा सा बच्चा है पूरे प्लांट फैमिली का। उसके बाद यही बर्ड जो है आगे बड़े होके क्या बनता है, फ्लावर बनता है। सो दीज आर द फ्लावर्स, और फ्लावर्स का क्या काम है, द पार्ट दैट प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स। तो सबसे पहले छोटा बच्चा कली हुआ, फिर कली के बाद क्या बनता है वो, और थोड़ा बड़ा होके फूल बनता है, और यही फूल आगे चल के क्या बनाता है, फ्रूट्स और सीड्स बनाते हैं। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स, द दिस इज़ द पार्ट दैट प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स, दैट प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स। तो फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। अब फ्लावर्स के बाद और बड़ा होता है बच्चा, और बच्चा बड़ा होकर क्या बनता है, फ्रूट्स, और ये फ्रूट्स के अंदर क्या रहते हैं, इट कंटेन्स सीड्स। सीड्स से ही बेबी प्लांट ग्रो करता है कि नहीं? सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रूट्स, इट कंटेन्स सीड्स, एंड सीड्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच कंटेन अ बेबी प्लांट। सीड्स को ही दोबारा से हम ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर डाल देते हैं, तो उसमें पानी डालते हैं, सनलाइट के हेल्प से, वाटर सनलाइट और सॉइल के हेल्प से क्या होता है, सीड्स से फिर से एक बेबी प्लांट ग्रो होता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स कंटेन सीड्स, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये जो है अलग अलग हिस्सों का काम है किसी भी एक पौधे का। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डू दिस एक्टिविटी। अभी जो हमने
समझा जो सीखा उसके बेसिस पे हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं. क्या है? मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर गिवन एंड द फंक्शंस आर गिवन. अब ये सही सही नहीं दिया है. लीव्स का फंक्शन क्या है, फ्रूट्स के फंक्शन क्या है, यू हैव टू मैच दीज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विद देयर फंक्शंस. ये दिए हुए हैं, आपको मैच करना है. स्टेम. स्टेम क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम्स? वी नो दैट इट कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल अदर पार्ट्स. सो वी हैव टू मैच दिस स्टेम नंबर 5 विद द फंक्शन गिवन इन द बी ऑप्शन. सो इन दिस वे वी कैन डू दिस एक्टिविटी.